Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. शव दफनाए गए थे, उनमें जब जलस्तर बढ़ा तो कुछ शव जो है वो कब्र से बाहर आ गए थे और गंगा नदी की लहरों को छूने लगे थे। बड़ा ऑकवर्ड स्थिति लग रही थी। तो उन शवों के साथ किस तरीके से सम्मान पूर्वक उन्हें अंतिम संस्कार कराया गया, क्या व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की गई? देखिए, जैसा कि नियम है और स्थितियां हैं कि गंगा के किनारे शव का दफन करना उचित नहीं है, तो इस संदर्भ में लगातार पुलिस की पार्टियां यहां पर पेट्रोल कर रही हैं, गश्त लगाई जा रही है, ड्यूटीज़ लगी है। जो भी यहां पर व्यक्ति आ रहे हैं उनकी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए उनसे अपील की जा रही है कि यहां पर शव का दफन ना किया जाए और उनका विधि पूर्वक सम्मान पूर्वक उनको अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। यहाँ पर लकड़ियों का भी बंदोबस्त है, प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं जो उनकी आर्थिक रूप से भी सहायता कर रहे हैं और इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से विधि सम्मत तरीके से करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो भी शवों की स्थिति इस तरह से है उनको उनकी मान्यताओं के अनुसार विधि पूर्वक अंतिम परिणति तक पहुंचाया जा रहा है। सर, जो शव कब्र से बाहर आ गए थे, गंगा की लहरों को छूने लगे थे, बाहर दिखाई दे रहा था, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? जो परंपरागत रूप से पहले के कुछ शव रहे थे, अगर उनकी स्थितियां इस तरह से आई हैं तो प्रशासन और पुलिस के सहयोग से जो उनकी मान्यताएं हैं विधि पूर्वक सम्मान पूर्वक उनको अंतिम परिणति तक पहुंचाया गया है। सर, इसके अलावा बात करें, यहाँ लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, और क्या अब जो है शवों को दफनाने पूरी तरह से पाबंदी कायम है? जी, पूरी तरीके से रोक लगी हुई है। लोगों से अपील भी की गई है, यहाँ पे निगरानी समिति के भी लोग हैं जो यहाँ पे पंडा पुजारी लोग हैं, उनको भी कहा गया है, लोगों से अपील की गई है कि इस शव को दफन ना करें, और लोगों की तरफ से भी इसमें काफ़ी सहयोग मिला है। अब लोग यहाँ पर अंतिम संस्कार के रूप में शवदाह ही किया जा रहा है, पुलिस और प्रशासन के लोगों के माध्यम से इसमें सहयोग भी किया जा रहा है। जो आपने किया, इसमें क्या मिला और आगे क्या किया जाएगा? ऐसा है कि यहाँ पर ये संभावना हो रही थी कुछ गंगा में पानी बढ़ने के कारण लाश कटान होने के कारण लाश बाहर आ सकती है, तो इसीलिए प्रशासन ने बहुत तैयारी किया और उसमें जो है यहाँ पर 8 चिताएँ बना दिया, और कोई ऐसा निकलता है तो उस पर होगा, नहीं तो कोई लावारिस वगैरह आती हैं उस पर होगा, नहीं तो गरीब लोगों को लकड़ी दे दी जाएगी। यही है व्यवस्था। अभी तक कोई जो आप लोगों ने सर्च किया था उसमें क्या? नहीं, अभी तो मैं नाव से भी भ्रमण किया, आप देखे हैं, अभी कोई ऐसा नहीं आया, कहीं कटान भी नहीं हो रहा, कटान भी बंद हो गया। आगे के लिए किस जैसे जो लोग आएंगे उनके लिए क्या हिदायत है? आगे के लिए आपको सब लोगों की जानकारी कि माननीय न्यायालयों का शासन का भी आदेश है, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए कोई भी गंगा में लाश को प्रवाहित नहीं होने देना, पहला कदम। दूसरा, यहाँ पर अब कोई भी अवैध जो है यहाँ पर लाश नहीं दफनाए देना, यही है हम लोगों का लक्ष्य। जैसे कि कटान लगे तो सब बहे ना गंगा में, और अब इसके लिए हम लोग निगरानी समिति बनाए हैं, वीडियो साहब अपने कर्मचारी को लगाए हैं, मैं भी अपना कर्मचारी लगाऊँ, हम जल पुलिस भी लगी है, 24 घंटे का सतत लोग देख रहे हैं सब चीज़ों को। आवारा कुत्तों के सामने आए? हाँ, आवारा कुत्ते में भी हमारे यहाँ डॉक्टर जो है पशु विभाग के, वो आए थे, इंजेक्शन लगाए हैं, कुत्ते पकड़े हैं, कुछ उनको दवा दे करके पकड़ने का प्रयास हो रहा है, लगातार है प्रयास है। जी जी, इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.